प्रिय दर्शकों नमस्कार। 10 जुलाई 2023 इस दिन भूमंडल पर ग्रह और नक्षत्रों का एक शुभ योग बन रहा है। इस दिन सोमवार है, अष्टमी तिथि है और श्रावण मास है। सोमवार के दिन अष्टमी का आना अपने आप में एक शुभ योग माना जाता है, क्योंकि सोमवार की जो अष्टमी होती है ये दिन माँ पार्वती और शंकर भगवान के मिलन का दिन माना जाता है। और ये योग श्रावण महीने में आ जाए तो एक ऐसा शुभ संयोग बन जाता है, एक ऐसा दुर्लभ योग बन जाता है। यदि इस दुर्लभ योग में हम अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत हो जाता है। उपाय का जो रिजल्ट है वो 100% देखने को मिलता है। यदि आपकी शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रहे हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही है, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और आपसे कहीं ज़्यादा परेशान आपके माता पिता हो गए हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूँ, यदि ये उपाय आपने अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया तो यकीन मानिए आपकी शादी के लिए कोई न कोई अच्छा रिश्ता जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय जरूर करें। बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में कालसर्प दोष बन जाता है, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में मंगलिक दोष बन जाता है, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में पितृ दोष बन जाता है और कुछ बच्चों की जन्म कुंडली का सप्तम भाव पाप प्रभाव में आ जाता है, जिसके चलते रिश्ते तो आएंगे, बातें भी चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुँच पाता है। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, हमें ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, सारी बातें पक्की हो जाएंगी, लेकिन सामने से किसी भी प्रकार का रिप्लाई नहीं आता है। बहुत सारे रिश्ते आएंगे लेकिन अनाप शनाप रिश्ते आएंगे, हमारे लेवल का रिश्ता नहीं आ पाएगा और जो भी हमारे लेवल का रिश्ता होगा वो पक्का नहीं हो पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी, माता पिता परेशान हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ इस उपाय को आपने अच्छे से समझ लेना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, अब आप ये जान लीजिए ये उपाय आपने कब और कैसे करना है। ये उपाय आपने 10 जुलाई 2023 सोमवार की अष्टमी के दिन कर देना है और ये उपाय आपने सुबह के समय ही करना है। वैसे शाम को भी आप कर सकते हो, लेकिन यदि सुबह के समय आप कर लेते हैं तो श्रेष्ठ है। सुबह आपने जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं। अब ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए इसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। आप कोई भी पात्र ले लीजिए स्टील का, आप छोटी कटोरी ले सकते हैं, बड़ा कटोरा ले सकते हैं या फिर आप लोटा ले सकते हैं। तो उसके अंदर आपने पंचामृत तैयार करना है। पंचामृत कैसे बनता है आप सब जानते होंगे, यदि नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 100 से 150 ग्राम के आसपास आप दूध ले लीजिए और उसके अंदर लगभग 50 ग्राम के आसपास दही ले लीजिए, थोड़ा सा उसके अंदर देसी घी मिला लीजिए
थोड़ा सा उसके अंदर शहद मिला लीजिए और थोड़ा सा उसके अंदर मीठा मिला लीजिए। मीठा आप समझते हैं शर्करा, बूरा आप उसमें मिला लीजिए। और यदि आपके पास गंगा जल अवेलेबल है तो थोड़ा सा गंगा जल भी उसके अंदर आप मिला लीजिए। तो इस प्रकार से पंचामृत आप तैयार कर लीजिए, किसी भी बर्तन में ले लीजिए। ध्यान रहे बर्तन जो है वो या तो चांदी का हो या फिर स्टील का हो, कोई और बर्तन नहीं लेना है। और क्या लेना है? और आपने लेने हैं बिल्व पत्र। अब कितने बिल्व पत्र लेने हैं? जिस भी उम्र में आपका बच्चा वर्तमान समय में चला हुआ है उतने ही बिल्व पत्र आपने लेने हैं। सपोज कीजिए आपका जो बच्चा है वो 28 साल का हो चुका है और 29वें साल में वर्तमान समय में चला हुआ है, तो फिर 29 बिल पत्र आपने लेने हैं। सपोज कीजिए कि आपका जो बच्चा है वो 32 साल का हो चुका है और 33वें साल में चला हुआ है, तो फिर 33 बेल पत्र आपने लेने हैं। बेल पत्र साफ सुथरे होने चाहिए, कटे फटे बेल पत्र नहीं चलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, सोमवार के दिन बेल पत्र को तोड़ना निषेध बताया गया है, तो आप एक काम कीजिए, रविवार के दिन ही बेल पत्र अपने घर में ले आइए और उन्हें पानी में रख दीजिए ताकि वो ताज़ा रहें, वो बासी ना हो पाएं। तो पानी में यदि आप रख दोगे तो बिल्कुल वो ताज़ा रहेंगे और सोमवार के दिन आपने ये उपाय कर देना है। तो प्रिय दर्शकों, बेल पत्र आपने ले लिए, आपके जो बच्चे हैं उनकी उम्र के अनुसार और क्या चाहिए? दो प्रकार का चंदन, एक पीले रंग का और एक सफ़ेद रंग का, बाजार से आपको आसानी से मिल जाएगा। अब यदि यहाँ पर ये उपाय लड़के के लिए किया जा रहा है तो सफ़ेद चंदन की आवश्यकता होगी, और यदि लड़की के लिए किया जा रहा है तो पीले रंग की चंदन की आवश्यकता आपको यहाँ पर पड़ने वाली है। सपोज कीजिए कि आप ये उपाय लड़के के लिए कर रहे हैं तो फिर सफ़ेद चंदन बाजार से आपको ले आना है। चंदन पाउडर आता है, सफ़ेद रंग का चंदन पाउडर भी आता है और पीले रंग का चंदन पाउडर भी आता है। तो यदि लड़के के लिए कर रहे हैं तो पीला चंदन, और यदि माफ़ कीजिएगा, यदि लड़के के लिए कर रहे हैं तो सफ़ेद चंदन और लड़की के लिए कर रहे हैं तो पीला चंदन आप ले आइए और एक कटोरी के अंदर उसको मिला करके पानी की सहायता से उसका घोल बना लीजिए। और अब इस घोल की सहायता से बेल पत्र पर आपने लिखना है शुभ विवाह। जो बेल पत्र का बीच वाला हिस्सा होता है, बीच वाली जो पत्ती होती है लंबी पत्ती, उसके ऊपर आपने लिखना है। क्या लिखना है? शुभ विवाह। कैसे लिखेंगे? एक माचिस की तिल्ली आप ले लीजिए, उस तिल्ली के एक सिरे पर रुई लपेट लीजिए और उसकी कलम बना करके उसकी सहायता से लिख दीजिए शुभ विवाह। प्रत्येक बेल पत्र आपने लिखना, प्रत्येक बेल पत्र पर आपने लिख देना है शुभ विवाह। अब ये बेल पत्र आपके पास हो गए और ये पंचामृत आपके पास हो गया, ये दोनों चीज़ें लेकर के आपने आपके आसपास कोई भी शिव मंदिर हो वहाँ पर चले जाना है, शिवलिंग के पास जाकर के बैठ जाना है। सबसे पहले आपने शुद्ध जल का एक लोटा लेना है, पानी आपको मंदिर से ही मिल जाएगा, लोटा भी हो सकता है वहाँ से मिल जाए, यदि वहाँ से नहीं मिलता है तो आप अपने घर से ले जाइए। तो शुद्ध जल का एक लोटा ले लीजिए, सबसे पहले गणपति जी पर अर्पित कीजिए, उसके बाद माँ अंबिका पर अर्पित कीजिए, और उसके बाद कार्तिक जी पर अर्पित कीजिए, उसके बाद नंदी जी पर अर्पित कीजिए, उसके बाद अशोक सुंदरी सर्प देवता इनके ऊपर अर्पित कीजिए, और सबसे लास्ट में शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए पूरा जल का लोटा शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए एक धार बनाकर। उसके बाद ये जो पंचामृत आप लेकर के गए हैं पूरे का पूरा पंचामृत शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। उसके बाद दोबारा से शुद्ध जल से शिवलिंग को अच्छे से साफ कर दीजिए, बिल्कुल साफ सुथरा उसको बना दीजिए, उसको धो दीजिए शुद्ध जल की सहायता से। उसके बाद एक बेलपत्र उठाना है और शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। एक बात का ध्यान आपने रखना है, ये जो आप शुभ विवाह बेलपत्र पर लिखोगे तो देखिए बेलपत्र के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है बिल्कुल चिकना और एक हिस्सा होता है खुरदरा, तो जो हिस्सा चिकना होता है उसी साइड पर आपने शुभ विवाह लिखना है। और जब आप शिवलिंग पर अर्पित करोगे तो शुभ विवाह जिस साइड पर आपने लिखा है, यानी कि जो चिकना हिस्सा बेलपत्र का है, वो शिवलिंग की तरफ अर्पित आपने करना है। तो इस प्रकार से
आपने एक बेल पत्र उठाया और शिवलिंग पर अर्पित किया अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने बच्चे का नाम मन ही मन में बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, इस प्रकार से आप एक एक बेलपत्र उठाइए और शिवलिंग पर अर्पित करते रहिए और अपनी मनोकामना मन ही मन में बोलते रहिए। तो सभी बेलपत्र आपने शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। सारे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे शंकर भगवान, श्रावण मास है, सोमवार का दिन है, अष्टमी तिथि है, इस दिन मैंने ये उपाय किया है, मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी चली हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, तो जो भी अड़चने मेरे बच्चों की शादी होने में आ रही हैं उन अड़चनों को दूर कीजिए, कोई न कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि मेरे बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा रिश्ता आ जाए और उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैंने ये उपाय बड़े विश्वास के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ किया है, तो मेरा विश्वास टूटे ना बाबा, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। आपकी जो प्रार्थना है ना, उसमें भाव होना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। जितना भाव आपकी प्रार्थना में होगा उतनी ही जल्दी आपकी प्रार्थना भोले बाबा स्वीकार करेंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। तो इस प्रकार से आपने ये उपाय करना है और अपने घर को चले आना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की जन्म कुंडली में ऐसे कौन से दुर्योग बन गए हैं जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब बना हुआ है, आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसा जीवन साथी होगा, विवाह के बाद का जीवन कैसा होगा, यदि ये सारी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली या फिर जन्म डिटेल लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, और यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।